So today we'll discuss why there is two exchanges in India. इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंजेस है, वन इज़ अ एन एस सी एंड सेकेंड इज़ अ बी एस सी. सो वाई देर इज अदर स्टॉक एक्सचेंज नॉट. तो बाकी इन दोनों के अलावा और स्टॉक एक्सचेंज क्यों है, या दूसरी तरफ पूछ सकते हैं कि इंडिया में सिर्फ दो ही स्टॉक एक्सचेंज क्यों हैं. तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो पर बना रहना पड़ेगा. उससे पहले आपको जानना होगा कि स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज. तो स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ प्लेस, ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर कोई भी कुछ भी बाय और सेल कर सकता है. मतलब वो एक ऐसा प्लेस जहाँ पर कुछ भी बेचो और सेल करो, उस प्लेस को एक्सचेंज कहते हैं. अब वैसे तो इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, वन इज़ एन एस सी एंड सेकेंड इज़ अ बी एस सी, और दोनों ही ऑपरेशनल एक्सचेंजेस ऑलरेडी इंडिया में हैं. इसके अलावा ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है जो ऑलरेडी शट डाउन है, जो बंद पड़े हैं बिकॉज ऑफ नॉट बींग एबल टू रिमेन टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड और नॉट बींग एबल टू स्टिक ऑन द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज हो गया, और मद्रास स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, तो ये सारे भी स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी इंडिया में प्रेजेंस करते हैं, लेकिन ये शट डाउन है बिकॉज ऑफ समथिंग इश्यू, कुछ इश्यू के कारण बंद पड़े हैं. बट मेन बात क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज किसे कहते हैं. तो स्टॉक एक्सचेंज मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पर स्टॉक का सेल और बाय हो, उसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं. और राइट नाउ ये स्टॉक एक्सचेंज कितने हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पाँच हो सकते हैं, किसी भी कंट्री में कितने हो सकते हैं, लेकिन राइट नाउ इंडिया में ये सिर्फ दो ही एक्सचेंज है, वो है एन एस सी और बी एस सी. तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, और आई होप आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि वाई देयर इज अ टू स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया.